स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 के चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के एक्सरसाइज 4.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये हमें फिगर दी हुई है, इस फिगर में से हमें क्या है, एंगल्स के नाम लिखने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो ये बन रहे हैं ये सारे हमारे क्या है, एंगल्स हैं, ठीक है। तो इनके भी नेम्स हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे ए बी सी, तो ये हमारा बन जाएगा एंगल बी। नेक्स्ट बी सी डी, जो स्टूडेंट्स नंबर सेंटर में आता है वो एंगल होता है। जैसे सेंटर में सी आ रहा है तो यहाँ पे हम सी एंगल की बात करें, यहाँ पे सेंटर में बी आ रहा है तो हम डी एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सी डी ए एंड लास्ट में डी ए डी, तो ये हमारे क्या हो गए, 4 एंगल्स जो इस फिगर में बन रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। इस डायग्राम में हमें पॉइंट्स बताने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमें बताने हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, वो पॉइंट जो क्या है डी ओ ई के इंटीरियर बन रहा है, डी ओ ई के अंदर पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे डी ओ ई है, जो डी ओ ई इसके अंदर पॉइंट कौन सा है, बी, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट है इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, ई ओ एफ ये हमारा एफ पॉइंट है, ई ओ एफ, ओके सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे क्या था डी ओ ई, तो डी ओ ई के एक्सटीरियर ये एफ पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पे डी ओ ई के इंटीरियर कौन सा पॉइंट बन रहा है, ए पॉइंट है, ठीक है। और ई ओ एफ के एक्सटीरियर, ई ओ एफ के बाहर कौन सा पॉइंट है, ये भी हमारा पॉइंट ए आएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, और ई ओ एफ, जो ई ओ एफ है इसके ऊपर कौन सा पॉइंट है हमारा, पॉइंट बी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। हमें टू एंगल्स ऐसे बनाने हैं जिसमें एक पॉइंट कॉमन आए, तो देखिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको। ये बन गई हमारी फिगर, इसको नेम दे दीजिए ए बी सी डी ओ। तो इस फिगर में देखिए हमारा कॉमन पॉइंट क्या, कौन सा है कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट इज ओ, इसमें हमारा कौन सा पॉइंट कॉमन है, पॉइंट ओ कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू पॉइंट्स इन कॉमन, दो पॉइंट्स कॉमन आने चाहिए, हमें ऐसे एक फिगर ड्रॉ करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, नेमिंग कर दीजिए इसकी ए बी सी डी, तो इसमें हमारे कॉमन पॉइंट्स कौन से आ गए, बी एंड डी, ठीक है। कॉमन पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स इज बी एंड डी। आगे देखिए हमें बनानी है फिगर जिसमें थ्री पॉइंट कॉमन होने चाहिए, ओके देखिए हमें ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी, और इसमें थ्री पॉइंट कॉमन चाहिए, तो थ्री पॉइंट जो कॉमन हम यहीं पे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन पॉइंट कौन से हो गए, डी एफ ई, तो यहाँ पे हमारे कॉमन पॉइंट कौन से हैं, कॉमन पॉइंट बी ई एफ, ठीक है। आगे क्या है, फोर पॉइंट्स इन कॉमन, ये भी बिल्कुल सेम बना लेंगे ऐसे ही, देखिए ये फिगर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं हम, इसमें फोर पॉइंट्स कॉमन बनाने हैं, तो ये रहे एक एक दो तीन चार पॉइंट्स हो गए कॉमन, तो इसमें कॉमन पॉइंट कौन से हैं, ओ ए बी सी, कॉमन पॉइंट ओ ए बी सी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, वन रे इन कॉमन फिगर, जिसमें एक रे कॉमन हो, जैसी हमने ये फिगर बनाई है बिल्कुल वैसी बनेगी इसकी। तो देखिए इसके अंदर क्या है, एक ये वाली जो रे एल है हमारी, वो हमारी कौन सी आ जाएगी, कॉमन रे, ठीक है। तो कॉमन रे, कॉमन रे इज रे एल, इसमें कॉमन रे कौन सी हो गई, रे एल। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज थी, पर अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।